हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरैक्टिव क्लासेस। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल वर्क इन टू सब्जेक्ट्स, फर्स्ट इन हिंदी नोटबुक एंड सेकंड इन मैथ्स बुक। वी विल स्टार्ट विद हिंदी नोटबुक एंड स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी नोटबुक। बच्चों, आज हम दो सब्जेक्ट में वर्क करेंगे, पहले हिंदी की नोटबुक में और फिर दूसरे नंबर पे मैथ्स की बुक में। हम हिंदी की नोटबुक से शुरुआत करेंगे और ये आपकी हिंदी की नोटबुक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई। आई से ऐनक, आई आई से ऐनक, ठीक है ना, ए से एड़ी, आई से ऐनक। तो आज जो हमें लिखना है वो है आई से ऐनक। यहां पर मैंने आपके लिए इस तरीके से डॉट्स लगाए हुए हैं, ठीक है ना। आपको ये डॉट मैंने पहले भी बताए थे ए से एडी में, वही सेम आपको आई से ऐनक में भी डॉट लगाना है और उसी तरीके से आई से ऐनक भी लिखना है। बस आई से ऐनक में हमें एक चीज क्या करनी होती है कि आई से ऐनक में ऊपर हमें एक मात्रा लगानी होती है ना, आई से ऐनक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डॉट से इस डॉट तक एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इस डॉट से इस डॉट तक एक स्लांटिंग लाइन, हल्का सा कर्व कर देंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लांटिंग लाइन, ऊपर से स्लीपिंग लाइन, और ये जो लास्ट वाली लाइन है यहां से रेड लाइन तक एक लाइन ले जाएंगे ऐसे और एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। तो ये बन जाएगा आई से ऐनक। मात्रा दूसरी वाली लाइन के पीछे लगेगा। यहां पर कई बच्चे बीच में लगाते हैं मात्रा, कहीं यहां पर लगाते हैं, यहां नहीं लगानी है आपको। यहां पर आई से ऐनक का दूसरी वाली लाइन है, वहां उसके ऊपर से आपको मात्रा लगानी है, ठीक है ना। तो आई से ऐनक, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और फिर ऊपर से एक मात्रा। मात्रा रेड लाइन के अंदर अंदर लगानी है, रेड लाइन से बाहर आपको नहीं निकालना है, ठीक है ना। रेड लाइन से बाहर मात्रा को नहीं निकालेंगे। तो स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, ऊपर से स्लीपिंग लाइन और फिर एक मात्रा, राइट। अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, ऊपर से स्लीपिंग लाइन और ये एक मात्रा लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको आई से ऐनक अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, राइट। आई से ऐनक आपको पूरे पेज पे लिखना है, जैसे ए से एडी लिखा था हमने, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ऊपर से एक मात्रा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप आई से ऐनक अपनी हिंदी की नोटबुक में पूरे पेज पर लिखेंगे, राइट। यहां पर नीचे मैंने इस तरीके से डॉट्स लगाए हैं। आई से ऐनक बनाने के लिए हमें 5 डॉट्स चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो आप अपनी नोटबुक में इस तरीके से 5 डॉट्स लगाएंगे आई से ऐनक बनाने के लिए और फिर साफ साफ हैंडराइटिंग में वहां पर आई से ऐनक बनाएंगे, राइट। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट वर्क पे जो है मैथ्स की बुक में। एंड दिस इज योर मैथ्स बुक नंबर्स 1 to 20। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 29 और अब हम आपकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर 29 पर हैं, 2929। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 29 निकालेंगे। एंड आर टूडेज टॉपिक इज काउंट एंड सर्कल द न्यूमरल। और जो आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स की बुक में वो है काउंट एंड सर्कल द न्यूमरल्स। न्यूमरल्स नंबर को भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पिक्चर्स को काउंट करना है और उसके बाद उसके नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं सही नंबर पे सर्कल करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमें उन पिक्चर्स को काउंट करना है और जितनी पिक्चर्स है उस नंबर पे हमें सर्कल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया है कि काउंट कैसे करते हैं हम लोग, जब भी हमें काउंट करना है तो हम टिक करके काउंट करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सन है यहाँ पर,
नाइन सन, है ना। तो अभी हमें नाइन पर सर्कल करना है। नाइन कहाँ लिखा है, ये नाइन है नहीं है, ये नाइन है नहीं है, ये नाइन है, यस दिस इज नाइन। तो हम यहां पर नाइन को सर्कल कर देंगे, राइट। उसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर पे चलेंगे, यहाँ पे बटरफ्लाईज बनी हुई है, ठीक है ना। तो बटरफ्लाईज काउंट करेंगे कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बटरफ्लाईज, ठीक है ना। बटरफ्लाईज तितलियां, ठीक है ना, तितली होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, सिक्स हैं तो तितलियां, ठीक है ना। तो सिक्स हैं यहाँ पर, अब हमें सिक्स देखना है, सिक्स कहाँ लिखा है, ये सिक्स लिखा है नहीं है, ये सिक्स लिखा है ये भी नहीं है, ये सिक्स लिखा है यस दिस इज सिक्स। तो हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर पे चलेंगे, नीचे हमें यहाँ पर दिए हैं स्नेल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्नेल, ये एक कीड़ा होता है, ठीक है ना, स्नेल इसका नाम होता है स्नेल। तो चलिए इन्हें काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पर कितने स्नेल्स हैं, एट स्नेल्स हैं, है ना। अब हम देखेंगे एट कहाँ लिखा है, ये एट लिखा है नहीं, ये तो वन जीरो टेन लिखा है, तो एट कहाँ लिखा है, दिस इज एट, है ना, वेरी गुड। अब हम इसको सर्कल कर देंगे, यहाँ पर हमने इसको एट को सर्कल कर दिया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर इसी तरीके से टॉफीज बनी है, ये आपको खुद करना है, इन टॉफीज को काउंट करना है और नीचे नंबर को सर्कल करना है। फिर यहाँ पर आपको कपकेक्स दिए गए हैं, ठीक है ना, और फिर उनको देखना है, काउंट करना है और फिर नंबर को, सही नंबर को सर्कल करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ मास्क दिख रहे हैं, उनको आपको काउंट करना है और फिर सही डिजिट पे आपको सर्कल करना है, सही नंबर पे, ठीक है ना। काउंट करेंगे अच्छे से टिक करके, जब भी काउंट करेंगे टिक करके करके पिक्चर्स को काउंट करेंगे। जो बच्चा टिक करके नहीं करेगा मैं उसकी बुक चेक नहीं करूंगी। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी काउंट करेंगे तो वो टिक जरूर करेंगे और साथ साथ बोलते रहेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जितने भी पिक्चर्स हैं उनको आपको टिक करके काउंट करना है, राइट। उसके बाद पेज नंबर 30, इसके पीछे वाला जो पेज है, यहां पर हमें 1 to 10 काउंटिंग लिखनी है, ठीक है ना, 1 to 10। तो यहां पर मैंने आपके लिए पेज नंबर 30, ठीक है, पेज नंबर 30 में आपका राइट न्यूमरल्स 1 to 10, ठीक है ना, आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करनी है। तो चलिए, आपको तो आती है ना 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग, यहाँ पर मैंने आपके लिए डॉट्स लगाए हुए हैं 1 से 10 तक, हम फटाफट से यहाँ पे 1 से 10 तक काउंटिंग लिखेंगे, राइट। एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगी और फिर उसके आगे ऐसे ही आप भी लिखेंगे अपनी बुक में। तो आपको अपनी बुक में 2 times लिखनी है, ठीक है ना, इस पेज पे आपको 2 times, एक तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद ऐसे ही आगे आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम वंस के नीचे से शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो वन सबसे पहले क्या आता है, वन, तो हमने यहाँ पे बना दिया वन। उसके बाद टू, टू बनाने के लिए पहले कर और फिर स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया टू। फिर थ्री बनाने के लिए पहले एक कर और फिर दूसरा कर, दिस इज थ्री। उसके बाद फोर, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया फोर। उसके बाद फाइव, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और एक कर्व, तो ये बन गया फाइव। उसके बाद सिक्स, स्लांटिंग लाइन और एक सर्कल, सिक्स। फिर उसके बाद सेवन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, सेवन। उसके बाद एट, यहां पर हमने बना दिया एट, राइट। उसके बाद नाइन, नाइन में स्टैंडिंग लाइन और एक सर्कल, ये बन गया नाइन। और लास्ट में ऊपर जाएंगे दोबारा से, यहां पर वन जीरो टेन, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम 10 लिखते हैं तो हम 1 टी के नीचे लिखते हैं और 0 हम 1s के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा 1 0 10। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 1 0 10।
राइट स्टूडेंट्स, तो आप अपनी बुक में इस तरीके से ही 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखेंगे। इससे पहले मैंने जब नोटबुक में लिखवाई थी आपको 1 से 10 तक काउंटिंग, तो कई सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके से अपनी नोटबुक में लिखा था, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिखा रही हूँ आपको उसी तरीके से अपनी बुक में लिखना है। राइट, ये एक लाइन मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया है, पहले आपको ये वाली लाइन में लिखना है डॉट्स लगाकर, और फिर उसके आगे यहाँ पर एक बार और लिखना है। इस पेज पे आपको 2 बार 1 से 10 तक काउंटिंग करनी है। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको इसमें 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है डॉट्स पर, ठीक है ना। और जिस तरीके से मैंने लिखवाया है उसी तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है ना, और 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2 बार ही आपको इस पेज पर लिखना है। ऊपर टेंस और वंस जरूर डालेंगे इस तरीके से जैसे मैंने डाला है, और फिर आप 1 से 10 तक काउंटिंग करेंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।